मेरे प्यारे युवा साथियों, आज मैं एक विशेष युवा साथी वर्ग से बातचीत कर रहा हूं। बताया गया होगा कि आज 24 वर्ष और 25 वर्ष के बीच के ऐसे युवाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं। हालांकि हर दिन किसी न किसी एक लाभार्थी वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज मन में आया कि हमारे जो देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। अभी योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी, अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। हम एक प्रकार से अपने बालपन के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त कर और 25 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं, बहुत कुछ मन में चल रहा होगा। तो एक तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसको निश्चित रूप से विचार करें, ये एक पहली मेरी आपसे बात है कि विचार करें, गहराई से करें, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इन्हीं बातों को विचार करते समय कई बार उहापोह होती है मन की स्थिति। तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं, वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं, मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने। तो अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। ध्यान रहे कि अगर हम किसी के काम के हैं तो कभी बेकार नहीं बैठ सकते, क्योंकि दुनिया आज काम के आदमी को ढूंढ रही है। जो बेकार हो जाता है उसको दुनिया भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए अगर हम काम के आदमी हैं, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ हमारे पास है, तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा हम कर्म करने का हमको अधिकार है, कर्म करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। फल ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसके लिए हम बिना ही काम किए या काम करने के बाद तुरंत उसकी चिंता करें कि फल कब मिलेगा, कब मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमने कर्म किया है उसका फल समय पर अपने आप मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरी ओर से नौवां बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो यह है कि आखिर सरकार जनहित के बहुत कार्य करती है, युवा वर्ग के लिए भी कार्य करती है। तो निश्चित रूप से आप सरकार की नीतियां और कार्यक्रम, उनकी भी जानकारी रखें, और यह जानकारी का सदुपयोग आपको अपने लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। प्रजातंत्र में विरोधियों का काम हमेशा आलोचना करना होता है। अखबारों के अंदर सरकार की आलोचना करना, ये कुछ लोगों का अपना काम हो सकता है, लेकिन कभी किसी के ऊपर आलोचना का भरोसा किए बिना स्वयं को आजमाएं। कोई भी बात आप सुनते हैं तो उसको स्वयं आजमा कर देखें। अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो हमें बताएं, चीज अच्छी है तो लोगों को बताएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई ऐसी बात हमको ध्यान कराएंगे कि जो ठीक नहीं लग रही है, उसको हम निश्चित रूप से समाज के हित में, प्रदेश के हित में, आप सबके हित में उसको हम ठीक करेंगे। मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, जहां सबके लिए सुख का रास्ता आय है, रोजगार है, अथवा उसके शरीर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, इन सब की चिंता हम लोग मिलकर के करेंगे। आपका हमको साथ चाहिए। मित्रों, हमारे मन में बहुत स्वप्न होते हैं, तो उन स्वप्नों को भी हमने जो है आगे बढ़ाना है। हमें से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है। अभी सरकारी नौकरियों की घोड़सी लगी हुई है, बहुत से लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी के अंदर आप लोगों को बहुत से प्रकार बताए गए हैं कि रोजगार जो सरकार का वो एक मेरिट के ऊपर मिलेगा। और मेरिट की नौकरी का मतलब ये होता है कि जिसको पढ़ाई लिखाई में योग्यता हासिल हुई है वही नौकरी में आएगा। और अगर किसी को नौकरी मिलती है, हमको नहीं मिलती है, तो भी हमको अफसोस नहीं होता, बल्कि विश्वास होता है कि मुझे इस बार नहीं मिल रही है तो मैं और बेहतर काम करूं, ताकि बेहतर काम करने के बाद अगली बार जो है नौकरी मिल जाए। और हाँ, यदि किसी गलत व्यक्ति को नौकरी मिल जाए तो फिर हमें अफसोस होता है, लेकिन हमने मिशन मेरिट को बनाए रखने के लिए संकल्प लिया है। तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को मेहनत करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, कहीं किसी प्रकार का अफसोस आपको होगा नहीं। पिछले 9 सालों में हमने 1,10,000 युवाओं को और जो मिशन मेरिट के अंतर्गत ये नौकरी दी है, और अभी इस अगले 3-4 महीनों में 60,000 नौकरियां और लाइन में लगी हैं। इसलिए आप लोग हमेशा अपने व्यवसाय के नाते से इस काम में लगे रहे। मित्रों, जो मैं आपसे 100 बात की एक बात अगर 20 बात कहूं तो वह स्वयं पर विश्वास करें। अगर आपको स्वयं पर विश्वास है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अपनी सकारात्मकता बनाए रखें और जो हमारे पास उपलब्ध अवसर हैं उन अवसरों का लाभ उठा करके और एक जिम्मेवार नागरिक के नाते परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दें। जीवन का यही अपना उद्देश्य है। साथियों, अपने जीवन को बेहतर हम बनाएं, हमारा कल बेहतर बने, इसके लिए आप अगर हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, चाहे आपका सुझाव शिक्षा के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, रोजगार के संबंध में हो, आय बढ़ाने के संबंध में हो, या समाज के सुख के लिए कोई भी हम काम कर सकते हैं, लोकहित का काम कर सकते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा और आपके इस दिए हुए सुझाव के ऊपर जितना भी संभव हो सकेगा उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपके जीवन को आगे आपने जैसे अगले चरण में 25 वर्ष का होते ही अगले चरण में आपने भाग लेना है। आप में से बहुत लोगों ने अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली होगी, कुछ लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते भी होंगे, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अवसर मिलेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।